Am I late? नहीं, शायद घड़ियां 15 मिनट आगे हो गई हैं। Then we have to hurry up. चलो। पापा, मुजम्मिल ही नहीं आ रहा। क्यों? अबे मुजम्मिल! मुजम्मिल! पानी खत्म हो गया। क्या अभी तक वॉशरूम में? पापा जब मोटे लग रहे हैं। तुम बहुत पतली लग रही हो। शायद जिन सेलिब्रिटी से मैं इंस्पायर हूँ वो पतले हैं। और शायद जिन सेलिब्रिटी से मैं इंस्पायर हूँ वो सब मोटे हैं। Sorry, I'm late. पापा नहीं, मैं इसके साथ इन कपड़ों में स्कूल नहीं जाऊंगी। बेटे आप फैसल कुरैशी के गेम शो पे जा रहे हैं? पापा ये मेरा कैजुअल स्टाइल है, अपनी भी ब्लैक शर्ट पहनी है, मैं चेंज करके आता हूँ। वैसे याद आया मैं भी जरा शर्ट चेंज ही कर लूँ। सॉरी मुझे ज्यादा देर तो नहीं हो गई? नहीं, इट्स ओके मिस। बड़े बड़े शहरों में ना ऐसी छोटी गलतियां होती हैं। मैं रुबीना हूँ, मुजम्मिल की नई इंग्लिश टीचर। मुजम्मिल आप उधर जाके बैठो। एक्चुअली मैं अभी मुजम्मिल की प्रिंसिपल से बात करके आ रही हूँ। लगातार एक महीने से वो हर टेस्ट में 0 ला रहा है। जस्ट लुक एट दिस। उन टेस्ट की भी जिनकी मैं खुद एक दिन पहले तैयारी कराती हूँ। पता नहीं सारे दिन डे ड्रीम करता रहता है। स्पेशली लुक एट हिज ड्रेसिंग, क्लासेस देखे इसके, हर वक्त बस मुझे देखता रहता है। कई बार बात करने की कोशिश करता है फिर शर्मा जाता है और चला जाता है। शर्मा जाता है? तो कभी नहीं शर्माया। मे आई बी अ बिट पर्सनल विद यू? जी वो बच्चा। मुजम्मिल आप प्लीज बाहर जाएं, मुझे आपके पापा से कुछ जरूरी बात करनी है। पता नहीं क्यों देखता रहता है मुझे बेचारा। मुजम्मिल बेचारे की कैटेगरी में दूर दूर तक नहीं आता। I'm sure इसका मसला कुछ और होगा। Listen, you have to be very honest with me. क्या आपके घर में कोई इशू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। मैंने आपकी डिवोर्स के बारे में सुना था, कैसे हुई? वो मिस मैं कमिंग। No, Muzammil, please stay outside. Please, feel free to express yourself. 7 साल की हमारी रिलेशनशिप थी, हम लोग खुश थे। I thought कि it's gonna last forever, लेकिन फिर मुझे छोड़ के चली गई। उसको बच्चों का ख्याल भी नहीं आया। Miss, I am coming in. No, Muzammil. Please stay out. It's okay. Life में इस तरह हो जाता है। I'm also a divorcee. लेकिन हम अपना दुख अपने बच्चों के सामने नहीं एक्सप्रेस कर सकते ना, उन पे बुरा असर पड़ता है। Miss, I have to come in. No! जो आप लोगों ने मुझे बाहर भेज के क्या डिस्कशन ली? वो हमने एक मिनट, क्या क्या उम्र है तुम्हारी? 7 साल। आई समझ? अभी जरा 11 साल वेट करो फिर बताऊंगा। पापा ट्राई तो करें, मेरा पेट नहीं दिमाग भी बड़ा है, बोर्ड मेंटल कैपेसिटी है मुझमें। मेंटल कैपेसिटी की स्पेलिंग आती है? पापा कुछ तो ऐसा होगा तो सारा मुझे बता सकते हैं। हाँ रुबीना बता रही थी कि मिस रुबीना बोले पापा, टीचर है वो मेरी।
मिस रुबीना कह रही थी कि मुजम्मिल मुसलसल टेस्ट में फेल होता है। अच्छा, इसका मतलब है मुझे उनसे प्राइवेट ट्यूशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आप वेटर की नौकरी कर लें। क्या, क्यों? क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन के लिए 10,000 रुपया नहीं मेरे पास देने के लिए। और क्या बात की मिस रुबीना ने आपसे? बेटा बड़ों की बातें होती हैं, अभी तुम बहुत छोटे हो और ये शादी की बातें तुम्हारे कहाँ पेटे आने वाली हैं? क्या आप लोग शादी की बात कर रहे थे? शर्म नहीं आती आपको? क्यों, शादीशुदा लोगों की तो शादी की बातें करते हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है? बेटा इससे पहले बाबा का ड्रामा शुरू हो जाए ना, अपनी फिल्म प्ले कर दो। कल तक तो सब ठीक था, ये प्यार कैसे हो गया? कभी सोचा ना था कि ऐसे होगा। मुजम्मिल तुम कर सकते हो। नहीं मुजम्मिल, इस पर झूठियां पड़ेंगी। कौन सी पहली बार पढ़ी, लेकिन इस बार तो पूरे स्कूल के सामने पढ़ेंगी। चलो आज ही क्यों नहीं। आइसक्रीम? मैं स्कूल वाले बच्चों की आइसक्रीम नहीं खाती। आइसक्रीम तो आइसक्रीम होती है, चाहे जो भी दे। रुबीना? मिस, कल किसका टेस्ट है? चैप्टर 4। पूरा? ऑफ कोर्स। आई लाइक चैप्टर 4। रियली? व्हाट डू यू लाइक अबाउट चैप्टर 4? चैप्टर 4 काफी लंबा है और इंटरेस्टिंग, लेकिन कभी कभी समझ नहीं आता। देखो मुजम्मिल, अगर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो तो फील फ्री टू टेल मी, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके? सच में? ऑफ कोर्स, मुझे अपना दोस्त समझो। आप बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगी? नहीं मुजम्मिल, नॉट एट ऑल। मिस वो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ना, मिस वो मैं आपको ये बताना। मुजम्मिल एक मिनट पापा, मैं बिजी हूँ। शमीम हेलो, शमीम सो नाइस टू सी यू। हाय रूबी, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? आई एम गुड। रूबी ये तो सिर्फ मैं बोलता हूँ, एक्चुअली मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। Sure. मुजम्मिल, can you please go and sit in the car? हाँ, पापा चले, चले, आ चले, चले, बहुत देर हो रही है, आजे। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। Actually, मैं आपकी बात सुनके कुछ depressed हो गई थी। Oh, I'm really sorry. I didn't mean to. दरअसल मैं जब भी अपनी divorce की बात करता हूँ, I'm काफी सेंटी हो जाता हूँ। अब आई रियली लूज कंट्रोल। नहीं नहीं, इट्स ओके। पता है एक्चुअली हमारी जो लास्ट बात हुई थी ना, उसके बाद मैंने घर जाके अपनी बेटी पे खुद वो अप्लाई किया एंड इट रियली वर्क्ड। तो एक तरह से आपने मेरी हेल्प की, थैंक यू सो मच अमीम। I'm so glad. अगर कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने दोस्त को ना भूलिएगा। ओके ओके, सी यू देन। पूरे पाकिस्तान में क्या ये लड़की मिलेगी? भैया मेरी आइसक्रीम तो ला दे। खा चुका है? क्या मतलब? अबे धोखेबाज, वो मेरी आइसक्रीम थी। बुरा लगता है ना, बुरा लगता है ना जब कोई किसी की चीज छीनता है, खून खोलता है ना, डिहाइड्रेशन होती है ना। तुझे क्या हुआ? एक मोटा और लंबा शख्स मेरी फेवरेट चीज छीनने वाला है। कितना मोटा है? आप जितना। इतना मोटा तो ना हुआ, लंबा कितना है? आप जितना। काफी लंबा है। प्लान क्या है?
प्लान कोई भी नहीं है, मैं आ चुका। देख बेटा, इस दुनिया ने तेरे बाप को बहुत दुख दिए, बहुत नाइंसाफी की, बहुत रातें मैं कंबल के नीचे रोया हूं, लेकिन मैं तेरे साथ ये नहीं होने दूंगा। इंसाफ के लिए लड़, अपने हक के लिए लड़, आवाज उठा। पापा उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस है। अबे तो क्या हुआ, ऐसी गेम चला के उस लंबे मोटे को समझना है उसके साथ हुआ क्या है। आई समझ? थैंक यू पापा। मेरा बेटा ना होता ये सियासत में जरूर होता। इंसान इस दुनिया में अकेला आते और अकेले चले जाते, फर्क नहीं पड़ता। फर्क जब पड़ता है, जब इंसान को इस दुनिया में अकेले चिप्स खाना होता है। किस मूवी का डायलॉग था ये? पाकीज़ा, नहीं नहीं आईना, किस मूवी का डायलॉग था ये? फिल्में छोड़ें, आजकल ये सोचे पापा ज्यादा तैयार होके नहीं निकल रहे? वो तो बस मेरे प्यार का असर है। प्यार का तो असर है आपका, नहीं किसी और का। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम यहाँ आंखों पे कीड़े लगते ना, लेते रहो। वहाँ पापा एक हॉट से इंग्लिश टीचर से ना मिलने जाते हैं। कौन है वो चुड़ैल? उसको चुड़ैल ना के, बेचारी मासूम है। मासूम माय फुट, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं ऐसी लड़कियों को जो ये इंग्लिश में टटर पटर कर रही होती है ना, जहाँ क्यूट सा लड़का देखा नहीं पीछे पड़ गई। अगर वही सिलसिला चलता रहा ना तो वो हो जाएगा जो उनसे हर रिलेशनशिप में होता है, ब्रेकअप, शादी। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं, नहीं। घिसे हुए डायलॉग मारने से कुछ नहीं होगा रोजी, कुछ करे। तुम फिक्र मत करो मुजम्मिल, आज के बाद शमीम तुम्हें पिक एंड ड्रॉप के अलावा स्कूल में नजर नहीं आएंगे। नाइस बैग। क्या काम है? कुछ नहीं, असल में हम दोनों ने इतने दिनों से वक्त नहीं गुजारा। हाँ, लास्ट टाइम कोई 5 साल पहले जब तुम 2 साल के थे। ज़ैनब एक मेरा दोस्त है, उसका भाई है, जिसका दोस्त है उसका भी भाई है। तो वो तुम्हारा क्या लगता है? दोस्त के भाई के दोस्त के भाई। वो ना उससे एक लड़की पसंद है, वो पूरे रातों में सोता नहीं है। लड़की कौन है, कैसी है? कार्टून वाली सिंड्रेला जैसी। तुम उससे मिले हो? ऐसा वो बताता है। तुम्हारे दोस्त के भाई का दोस्त का भाई? हाँ। सिंपल है, पहले लड़की को बताओ तो सही ताकि कहानी शुरू हो। बात ही तो नहीं होती, जब वो बात करती है ना वक्त थम से हो जाते हैं। मैट्रिक्स फिल्म की तरह। मिस्टर बीना को डिजाइनर पर्स गिफ्ट कर दो, उन्हें पर्स अच्छे लगते हैं। अच्छा, उनको पर्स कौन सा दूँ? अब वो तुम खुद ही सोचो कि कैसा होना चाहिए। आपको स्कूल जाने से पहले मेरी लाश पे से गुजरना होगा शमीम। देखो, उसके लिए मुझे मार्केट जाके फरनेल लानी होगी और फिर यहाँ सारी सफाई करनी होगी, मेरे पास टाइम नहीं आई समझ। हाँ हाँ, आपके पास तो मेरी किसी भी चीज के लिए टाइम ही नहीं है, आपका सारा टाइम वो इंग्लिश बोलने वाली चुड़ैल जो खा गई है। अबे चुड़ैल इंग्लिश मीडियम कब से हो गई? मुझे सब कुछ पता चल गया शमीम, आप मुजम्मिल के स्कूल उससे मिलने जाते हैं ना। और ये तुम्हें किसने बताया? मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे ये सब कुछ मुजम्मिल ने बताया है। मुजम्मिल का बच्चे तेरी? ओए, we are just friends. हाँ, पहले friends, फिर good friends, फिर lovers. इसी तरह ये रास्ता प्यार तक चला जाता है। फिलहाल तो मेरे रास्ते में हो, हटो। शमीम, मैं खुदकुशी कर लूंगी, आपकी कसम मैं खुदकुशी कर लूंगी। कर लेना खुदकुशी, और फर्श पे ना करना, मैंने भी सफाई की है। मिस, ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। अच्छा तोहफा तो लाया था, फिर भी पापा को बुला रहे हैं, शायद रिश्ते की बात करने लगे।
थैंक गॉड यू आर हियर। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आज मुजम्मिल ने क्या किया है। ओ जी, मुझे अंदाजा होगा, इसीलिए तो बाप इतनी उम्मीदें लगा के बैठता है। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि आज उसने क्या हरकत की है। मुजम्मिल ने मुझे ये दिया है। ये तो नहीं देना चाहिए था, इसको कम से कम ब्लैक तो देना चाहिए था, पिंक। ओके मुजम्मिल, मुझे पता चल गया है कि आपने मुझे पर्स क्यों दिया था, और मैं ये बताना चाहूंगी कि आपके पापा को और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आपकी सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन आपका तरीका गलत था। बेटा, अगर आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए थे, पास होना था, तो मुझे रिश्वत देने के बजाय आप टेस्ट के लिए मेहनत करते ना। Such a sweet boy. अच्छा चलो जाके खेलो। इसको ये भी बता दे कि मेरी आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है। What? जी, ये समझ रहे कि मैं और आप रिलेशनशिप में हैं। मुजम्मिल बेटा, हमें लाइफ में बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, कुछ उनमें से हमें बहुत अच्छे लगते हैं, they become our friends. इसलिए because we have something in common, उनसे बात करना अच्छा लगता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनसे कोई रिलेशनशिप है। Your papa and I are only good friends. कुछ आई समझ? इसलिए कहा था 11 साल वेट कर, चल। I need to book a table for two on 17 March. You know, her birthday. Sir, please आप अपने लिए टेबल खुद सेलेक्ट कीजिए। Papa! We're just friends.